هاي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ آپ لوگ میں سوچا ہر بار لوگ آپ کو کچھ بتاتے گھماتے پھراتے دکھاتے ہیں، آپ کی بہت ساری ای میلز آئیں کہ آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے صبح جاگنے کے بعد۔ تو میں نے اپنا جو انڈور کیم ہے اس کو ٹائمر پہ لگا دیا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ روزانہ کیا روٹین ہوتی ہے میری ڈیلی کی مارننگ۔ اور ابھی میں فجر پڑھ کے کیوں 2 گھنٹے کے لیے سوتا ہوں، اس کے بعد پھر نیند میری پوری ہو جاتی ہے کیونکہ لیٹ نائٹ تک کام کرنا ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دن بھر کیا ہوتا ہے۔ روز صبح کی ایک روٹین ہے، سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب میں اٹھ جاتا ہوں تو پہلے چڑیوں کو دانہ اور پانی ڈالتا ہوں تاکہ بہت سارے گلہری اور چڑیاں وغیرہ آ جائیں، تو پہلے وہی کرنا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی میں نے دانہ ڈالا ہے تو چونٹیاں بھی اپنے اپنے سفر پہ نکل گئی ہیں اور کھانا لینے کے لیے آ گئی ہیں۔ تو میں بنا رہا ہوں اب ناشتہ، کیونکہ چائے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انڈے بھی بن چکے ہیں، باقی اب میں نے کیا کیا بنانا ہے ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے۔ تو یہ ہے میرا ناشتہ، اور ناشتہ تو بنی جاتا ہے روزانہ ہی آلموسٹ، اور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے چائے کا کپ۔ مسئلہ یہ کہ چائے پیے بنا آپ کی آنکھ کھلتی نہیں۔ ہم لوگ ذرا ایشین ذرا روٹین میں ایسے ہو گئے ہیں کہ چائے ہمیں جگاتی ہے، اور جب شور ہوتا ہے تب تو کچھ کھانے پینے کا موقع نہیں ملتا، اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن عام ٹائم میں ناشتہ جب ہو جاتا ہے تو پھر ہو جاتے ہیں ہم ایکٹیو۔ تو آپ بھی آئیے ناشتہ کر لیجیے میرے ساتھ۔ ناشتہ ظاہر ہے جب ہوتا ہے تو بھرپور ہی ہوتا ہے میرا، کیونکہ بریکفاسٹ کے بعد رات کو پھر ڈنر ہی ہوتا ہے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں کھانا سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن صبح کا سب سے اہم سے مراد ظاہر ہے اسی پہ تو زندگی چل رہی ہے۔ ناشتہ اوسم ہے، آپ کو پوچھ نہیں سکتا میں، لیکن مزیدار ہے۔ ابھی باقی روٹین کے جو کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، تو تیار ہوتے ہیں اور پھر باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا۔ یہاں میری روٹین ہے کہ میں روزانہ واک کے لیے آتا ہوں، اور مارننگ میری یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو پورا دن آپ کو کرنے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے،
तो आपको भी बताता हूँ कि जो मेरे घर के बैक साइड पे जो जंगल है ये दो कदम के फासले पे कितनी मज़ेदार जगह है और बहुत सुकून मिलता है। ये है मेरे घर के बैक साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल, छोटा सा जंगल जिसमें मंगल में आने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे वॉक करता रहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और ये लकड़ी का बना हुआ पुल जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और सुबह मेरी होती है इसी तरह वॉक करते हुए। यहाँ हमेशा मैं आके सुकून से बैठ जाता हूँ और मज़ा ये आता है कि जब आप सुबह के टाइम पे रिलैक्स करने के लिए कहीं बैठते हैं बड़ा ही मज़ा आता है। एक मिनट के लिए रेस्ट किया, फिर निकल गया वॉक पे। तो ये सुबह की बात तो हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी कोई जूस उस पीने का टाइम है, घर चल के जूस पीते हैं और फिर जाते हैं अगली मंजिल पे कि आज के दिन मुझे क्या करना है। मुझे घर की कुछ चीज़ें लेनी हैं। मैंने कहा कि चले अपने दिन का जो बाकी प्रोग्राम है वो आपको बता देता हूँ। सब रंगों के जो भी चाहिए। ये वाटरमेलन काटने के लिए है $5.99 का। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम छुरी से वार कर लेते हैं। और ओके, ये एक नई चीज़ आई है 2-in-1। ये जब आप बन को या बर्गर को या टाको को बनाते हैं तो इससे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। ये दो हैं इसके अंदर और जिसकी प्राइस है $19। ओके, ये बाउल्स हैं, ये हम ले लेते हैं। कल ये फैन बहुत इन हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जस्ट आप हाथ रख के देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। आजकल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वैक्यूम आए हुए हैं जो रोबोट हैं, जिसके अंदर आप टाइमिंग सेट कर देते हैं, रोज़ाना पूरे घर की सफाई करते हैं, खुद ब खुद आके अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। सो रोबोट $500 और $300 का। ये खुद ब खुद रोज़ाना पूरे घर की सफाई करके अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत कप हैं जिसमें स्टार्स के भी हैं, जिसके नामों के इनिशियल्स भी हैं। और मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है इसलिए मैं कैंडल्स ज़रूर हमेशा बाय करता हूँ। सब बहुत खूबसूरत हैं, कलर इनकी खुशबुएं सब कैंडल्स हैं। मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। मैंने कहा ज़रा सी टी शर्ट्स हैं, गर्मी शुरू हो गई है तो कुछ कपड़े देख लूँ जल्दी जल्दी से। और ये शर्ट है, इसकी बैक पे येलो कलर है, ग्रीन है। अभी हम कहीं और चलते हैं जहाँ पे हम लोगों को घूमना है। ओके, आपको लेकर चलता हूँ। ये
ये है वो मेला जो यहाँ पे लगा है गर्मी का, सब लोगों के लिए एक छोटी सी बीच है जहाँ पे सब लोग आके और फन करते हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और मेरी डेली रूटीन में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो तो फिर मुझे ये करना पड़ता है। अब यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है some shade. No, that's great. तैयारी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट होगा यहाँ पे, ये भी फ्री है, सब लोग अपनी अपनी जगह मल के बैठे हैं, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, और लेकिन इवनिंग पे होता है ये, और अभी थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा। मैंने इसलिए दिखाया है यहाँ का यूएस का सबसे बेस्ट जो रॉक बैंड है, मेटल बैंड है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं हम जो लोग हैं कराटे सिखा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कैसे करना है। छोटे से मेले में वहाँ सामने बीच है, बीच पे भी बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे पीछे आप जो मैजिशियन है बच्चों को जादू दिखा रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं। हमारे मुल्कों में भी ये जादू वादू का होता है और ये फ्री है सब कुछ यहाँ पे, इसका कोई पैसा नहीं है। जितना भी ये मेला लगता है इसमें सिर्फ राइड जो आप लेते हैं थोड़े बहुत उसके पैसे, बाकी हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गधा है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बच्चे देख देख के इनको खुश हो रहे हैं। ये वो गधा है जिस बेचारे की बिरयानी हमारे यहाँ बनाई जाती है, और यहाँ बकरियाँ हैं जो आमतौर पर हमारे घरों में आम बांधी रहती हैं, मुर्गियाँ हैं, आप देख रहे हैं सब बच्चे यहाँ पे चेक कर रहे हैं उसको। और बच्चों के लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता है क्योंकि यहाँ पर अलाव नहीं है ये गाय भैंस बकरी रखना और उसका दूध, और वो बच्चे खिला रहे हैं उसको, और अब मुझे भी देख रहे हैं गधा पीछे है और एक शेर आगे है। गधा बेचारा थक गया लोगों को एंटरटेन कर करके। बकरे बेचारे घास खाए जा रहे हैं और सब
बच्चे इनको देख के खुश हो रहे हैं सब लोग। ये इंटरटेनमेंट, और आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी दूर तक बीच पे कोई भी नहीं है क्योंकि सब लोग मेला एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, वो लॉन्ग मैं करके दिखाता हूँ आपको, वो देखे। ये यहाँ पे जो पुलिस की गाड़ी है ये जबरदस्ती है, और डिस्प्ले पे है, आप इसमें बैठ सकते हैं, आप इसमें घूम सकते हैं। 911 है और बहुत ज़बरदस्त, और पीछे आपको मेरे एम्बुलेंस वो भी आप उसमें भी ट्रेवल कर सकते हैं, बच्चों को इसमें बिठाते हैं, पुलिस वाले खुद राइड करते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जो मेरे पीछे है ये राइड ज़रा ख़तरनाक सी है, लेकिन मैं ले नहीं सकता इसको क्योंकि बहुत मुश्किल, मैं रोलर कोस्टर का आदमी हूँ, इसका नहीं हूँ।